विशाल चावड़िया जी, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के युवा में युवा मोर्चा के अंदर जो है कि जिला वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपको जानकर के बहुत दुख होना चाहिए कि अभी जैसा कि ईश्वर सिंह नाम का वह सफाई कर्मचारी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना योद्धा घोषित किया था, और वह दिल्ली का एक कोरोना योद्धा कहीं ना कहीं अपने इलाज के लिए पुकार कर रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली की सरकार से और केजरीवाल जी से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो भाई है सफाई कर्मचारी योद्धा है वो हमारे भाई, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनसे बिल मांगा जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जो कि बहुत गलत बात है और ये बात बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और उस भाई को, हमारे सफाई कर्मचारी को हॉस्पिटल में कोई ऊंच नीच हो गई तो हम दिल्ली की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे भाई साहब, इस केजरीवाल का जीना दुश्वार कर देंगे हमारे सफाई योद्धा को, कुछ हो गया तो हमारे भाई को। जैसा कि सर जहां तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर कोरोना योद्धाओं पे ऊपर कोई आफत आती है तो हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, और वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वह इलाज के लिए तरफ रहा है, दोहरी नीति, क्या कुछ कहना चाहती है, इस पे वाल्मीकि समाज खड़ा क्यों नहीं होता? भाई साहब वाल्मीकि समाज खड़ा हुआ है यार, खड़ा रहेगा। अभी आपने देखा ये लड़ाई भी लड़ी है हमने, ये सबको 1-1 करोड़ रुपया दे रहा था, जो भी ऑन ड्यूटी डेथ हो रही थी पर ये सफाई कर्मचारियों को नहीं दे रहा था, पर हमारे जो भी धुंधर लोग हैं जैसे हमारे भाई मोर सिंह पहलवान जी, हमारे दीपक तंवर साहब, और भी हमारे समाज के बहुत लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, दीपक तंवर साहब ने लड़ाई लड़ी है, हमारे भाई मोर सिंह पहलवान जी ने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है, जब जाके उनको 1 करोड़ रुपया इसने देना मंजूरी करी है। अंदर पैसे मांगे जा रहे हैं तो उसने ये बोला है कि भाई मेरा जो भी फंड है, जो भी मेरा पैसा है वो आप ले लो, पर मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या इस केजरीवाल के आंखों में इतनी भी शर्म नहीं है कि इंसानों की जान बचनी चाहिए? जो जब जिस टाइम हिंदुस्तान के अंदर अच्छे अच्छे धुंधर अपने अपने घरों में बैठे हैं, छुप के बैठे हैं इस बीमारी से, और सफाई कर्मचारी सुबह सुबह अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के लोगों की सेवा करने के लिए निकल जाता है, ये वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो हर मुसीबत में सबका साथ देता है, पूरे हिंदुस्तान का साथ देता है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है वाल्मीकि समाज। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।